योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाई गई एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स को चुनौती देते हुए मामले ने हड़कंप मचा दिया है। एक पीड़ित ने डरते हुए मीडिया के कैमरों के सामने बताया कि स्थानीय भाजपा विधायक के भाई के दबाव में पुलिस उसका मुकदमा नहीं लिख रही है, जिससे आहत होकर वह आत्महत्या करने को मजबूर है। पूर्व की सपा सरकार में चर्चा में रहे जमीनों पर कब्जों के मामले में सपा सरकार की खासी किरकिरी भी हुई थी और जिसका खामियाजा उसे भुगतना भी पड़ा। लेकिन अब योगी सरकार को 3 साल होने के बाद प्रदेश के कुछ जनपदों में जमीनों के बड़े खेल के कई मामले उजागर हो चुके हैं, जिसके चलते योगी सरकार ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए कार्यवाहियां भी की हैं। लेकिन फिर से उसी पैटर्न पर राजनीतिक व्यक्तियों के परिवार से जुड़े लोग मोहरा बनाते हुए जमीनों का खेल करने में लगे हुए हैं और करोड़ों की अवैध कमाई कर रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के थाना मंजोला क्षेत्र स्थित गगनवाली मेनाठेड़ से उस समय सामने आया जब हाजी जुल्फकार उल्ला नाम के व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी पीड़ा जाहिर की और विधायक के भाई पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का कहना है कि वो जमीन दौलतबाग निवासी की महिला की थी, जिसने वो कुछ दिन पूर्व 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत में उसे बेच दी थी। इसके एवज में 44 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे और लगभग इतना ही पैसा उसके पति अरशद अली को कैश में दे दिया गया था। कुछ दिन बाद जब जमीन का बैनामा कराने के लिए कहा गया तो वो लोग बैनामा करने से मुकरने लगे, जिससे पीड़ित परेशान होकर इधर उधर कोशिश करता रहा। पीड़ित जुल्फकार अपनी जमीन या पैसा वापस दिलाने के लिए मुरादाबाद प्रशासन के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। बुलाया है क्या पूरा प्रकरण किस सागर पीछे मैंने मीडिया को इसलिए बुलाया है कि मैं ये 3 महीने से बहुत परेशान हूँ। मैंने एक जगह खरीदी थी मनाठेर में गागन वाली। कब खरीदी थी? मैंने खरीदी 1.5 साल पहले वो जगह। क्या हुआ? किससे खरीदी? जहारा से खरीदी थी मैंने जगह। वो जहारा ने आधी जगह तो मेरे नाम में कर दी, आधी जगह में 2 महीने के बाद मैंने उनके अकाउंट में 44,90,000 रुपए डाले। उस जगह की जो जिस जगह में मैंने 44,90,000 रुपए डाले, उस जगह की मुझे एनओसी, वो स्कूल था, एनओसी लेनी थी। उन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने बाद उन्होंने मुझे जगह नहीं दी और मुझे जो है विवादों में फंसना शुरू कर दिया, झूठे मुकदमे लगाने। अच्छा, अरशद कौन है ये? अरशद के थ्रू, अरशद को वो अपना ड्राइवर बताती थी। वो अरशद आता था, वो अपने फोन से जहारा से बात कराता था और जहारा कहती थी भाई साहब इन्हें पैसे दे दो, मैं उसे पैसे दे दिया करता था। और पता ये है, पता क्या अरशद, हकीकत तो ये है कि अरशद उनका पति है, ये उनका निकाहनामा है, ये बात नहीं दिखाना। तो इसे ड्राइवर बताती थी? वो ड्राइवर बताती थी, एक्चुअली वो उनका पति है। तो इसको लेकर सिविल लाइन में मुकदमा भी दर्ज हुआ अरशद का? अरशद का जो है झूठा मुकदमा सिविल लाइन में दर्ज करा दिया कि अरशद के खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगी तो मैं इस बात से बच जाऊंगी। क्या बता के दर्ज करा? कौन अरशद को? अपना ड्राइवर बता के, ड्राइवर बता के जो है मुकदमा दर्ज कराया और जो है और उस पर फ्रॉड कर हमारे ऊपर फ्रॉड कराया था। अच्छा, ये आपका मामला प्रॉपर्टी का है, इससे निकाह का क्या संबंध है? प्रॉपर्टी का ये हुआ है कि जब हमने पैसे उसके अकाउंट में दिए थे तो वो अरशद नाम का व्यक्ति हमसे लेके जाता था पैसे, चाहरा से बात कराता था अपने फोन पे, फिर वो हमसे पैसे लेके जाता था। अकाउंट में अरशद कैश भी दिया क्या कुछ? हाँ, कैश मैंने अरशद को दिया है, अकाउंट में मैंने जहारा के डाला है 44,90,000 रुपए अकाउंट में जहारा के डाला है, लगभग 28-30 लाख रुपए मैंने अरशद को कैश दिया है। तो अरशद क्या कहती थी? कौन है अरशद? अरशद को वो अपना ड्राइवर बताती थी। अब जो है अरशद उनका पति है, दोनों ने मिलके मुझे मेरे साथ जो है बड़ा फ्रॉड करा। तो आपने पुलिस के पास जहारा है कौन? थोड़ा बताएं जहारा कौन है? कौन जहारा जो है, रहती है क्या है? दौलत बाग में रहती है, वो जब वो स्कूल चलाती है, लाइबा पब्लिक स्कूल चलाती है जहारा, और भीलो मतलब बंगला गाँव में रहती है, मंदिर के सामने लाइबा पब्लिक स्कूल चलाती हूँ। आपने कितना बीघा जमीन खरीदी थी? मैंने 3 बीघे जमीन खरीदी थी, 1.5 बीघे का मैंने बैनामा करा लिया आधे से ज्यादा पैसे देके। मेरा सौदा जो हुआ था 1,42,00,000 रुपए में हुआ था, जो मैंने आधे से ज्यादा पैसे देके लगभग 90-92 लाख रुपए देके मैंने आधे की रजिस्ट्री करा ली थी, जिस पे मुझे काबिज है। और 2 महीने के बाद मैंने 44,90,000 रुपए उसके अकाउंट में मैडम के डाले। अच्छा, आधे की रजिस्ट्री कराने के? आधे की रजिस्ट्री कराने की नहीं। पुलिस से शिकायत करी आपने? पुलिस के चक्कर 3 महीने से लगा रहा हूँ मैं, कोई मेरा जो है मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं है। विवेचना जो है कर देते हैं, 20-20 दिन विवेचना होती है, उसके बाद फिर जो है काम जो है नहीं होता। मैं बहुत परेशान, थाना मझोले में मैंने मुकदमा लिखवाने के लिए करा रहा हूँ और कल जो है
थाना मझोले के टीपी नगर पुलिस चौकी से मेरे पास फोन आया सत्येंद्र शर्मा का। सत्येंद्र शर्मा ने मुझे बुलाया कि हाजी कई तरह, मैंने कहा मैं कहीं व्यापारी के यहाँ पे बैठा हूँ। बोले फौरन जरा चौकी आ जाइए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। वहाँ जाके देखा तो राकेश शर्मा बैठे हैं और सत्येंद्र शर्मा ने मुझे बुलाया। राकेश कौन है? राकेश जी वो इंस्पेक्टर साहब हैं मझोला थाने के। उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो है ना, ये जो है तुम्हारा मुकदमा नहीं हो सकता, जहारा के ऊपर नहीं हो सकता। जबकि मैंने उनसे ये कहा कि मेरे 44 लाख रुपए जो मैंने दे रखे हैं दो इस पुरानी रजिस्ट्री के 2 महीने के बाद दे रखे हैं, बोला कुछ भी है नहीं हो सकता। और तुम जो है जो तुमने जगह ली है वो आधी जगह की दीवार करा दो, नहीं तो जो है ना मुझे PAC या RF बुला के जो है ना तुम्हारे ऊपर जो है फिर लाठी चार्ज कराना पड़ेगा। अगर तुम वो करोगे तुम्हारी घर की औरतों को जो है उठवा के जेल में डलवाना पड़ेगा। क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, क्यों मना किया होगा? मुकदमा विधायक जी के दबाव में है, इस बार विधायक जी के भैया ने जो है उसका मुआयदा करा रखा है। इसलिए विधायक रितेश शर्मा है, रितेश गुप्ता। उनका कौन सा भैया, क्या नाम है? उनका भैया जो है अमित गुप्ता है, जिन्होंने एग्रीमेंट करा रखा है अपने नाम में और वो पूरा दबाव बनाए हुए हैं प्रशासन पर। ये जो एग्रीमेंट आप बता रहे हैं, आपके एग्रीमेंट के बाद का है पहले बार? जी मेरे एग्रीमेंट के बाद का है। तो और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस किसी हालत में लिखने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत चक्कर लगा चुका, मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं अब अपनी जिंदगी से भी जो है आजीद आ गया हूँ कि मैं एक जायज मुकदमा नहीं लिखवा सकता। और राकेश शर्मा ने तो कल मेरे साथ बहुत राकेश कुमार ने कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा व्यवहार करा। मुझसे बोले ये जो है तुम्हारी जो मुसलमान हो BJP का विधायक है, BJP की चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। मेरा मुसलमान होना और मेरी दाढ़ी रखना इन लोगों की नहीं है, जो है मेरी FIR का सबब नहीं। दाढ़ी को लेकर कुछ बात कहती क्या? जी हाँ, दाढ़ी को लेकर यह कहा था कि ये जो है इस वक्त इसकी नहीं चलेगी, इस वक्त BJP की चलेगी। पकड़ी थी? हाँ, मुझे दिखाया था कि ये इसकी नहीं चलेगी। मुल्ले जी तुमसे जैसे कहा जा गया वैसे कर लो, इसने बहुत परेशानी में। राकेश कुमार ने, इंस्पेक्टर मझोला। क्या चाहते हैं आप? क्या मैं चाहता हूँ? ईमानदारी से मेरी जो है FIR हो जाए और जो है निष्पक्ष जांच हो। मेरी तो निष्पक्ष जांच भी हो चुकी है, बस मेरा मुकदमा FIR लिखी या नहीं है। मेरी FIR लिख जाए और नहीं लिखी आ रही तो मैं कप्तान साहब से आग्रह करता हूँ कि मुझे जो है आप इजाजत दे दो, मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं जब अपना जायज मुकदमा नहीं लिखवा सकता तो मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है इस दुनिया में। पीड़ित ने महिला और उसके पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उस जमीन का एक फर्जी एग्रीमेंट विधायक के भाई के नाम भी कर दिया है, जिसके चलते थाना मंझोला पुलिस उसका मुकदमा नहीं लिख रही है। और कल थाना इंचार्ज राकेश कुमार ने चौकी बुलाकर उसके साथ बदसलूकी की, उसकी दाढ़ी को लेकर भी अभद्रता की और कहा कि भाजपा सरकार है, यहाँ पर मुल्लाओं की नहीं सुनी जाएगी, जिससे वो बहुत आहत और परेशान है। अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसके सामने आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाजी जफरुल्लाह और जुल्फकारुल्लाह ने जहारा पत्नी मोहम्मद फरीद से 1,42,00,000 रुपए में 3 बीघा जमीन का सौदा किया था। चूँकि इसकी मालियत कम थी, इस पूरी जमीन की मालियत कम आ रही थी और सौदा ज्यादा में हुआ था। इस जमीन में आधे में स्कूल बना और आधा खाली है। उन्होंने खाली जमीन का बैनामा करवा दिया और जो नंबर दो के पैसे सहित लेकर के 90 लाख रुपए लेकर के और आधी जमीन की रजिस्ट्री करा दी। नंबर दो के पैसे माने जाए यानी कि कैश उसमें 33,80,000 रुपए नंबर एक में गए हैं और बाकी नंबर दो में गए हैं। इन्होंने नंबर दो का पैसा जो इनके पति हैं अरशद, उनके माध्यम से जहारा ने मंगवाया और आधे की रजिस्ट्री कर दी। अब जब आधी जमीन रह जाती है जिसमें स्कूल बना हुआ है तो उसमें ये कहती हैं कि मैं स्कूल की अपनी परमिशन ले लूं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा, आप मुझे पेमेंट कर दो। तो जब वो आधी की रजिस्ट्री हो जाती है 937 वर्ग मीटर की, उसके बाद इनसे 44,90,000 रुपया नंबर एक में लिया जाता है। जो शेष इनकी स्कूल निर्मित भूमि है उसे उसका बैनामा करने के लिए, अब जब ये पैसा भी उनके अकाउंट में पहुंच जाता है तब इनकी नियत बदल जाती है। और ये आपस में पति पत्नी है दोनों, अरशद और जहारा, ये आपस में खेल खेलते हैं। और वो खेल ये खेला जाता है कि इनके हाजी जी के पैसे मार लें
और इनके पैसे मार करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है अरशद के। क्या बताया अरशद को? अरशद को ये बताया जाता है कि जो नंबर दो का पैसा है वो अरशद ने ले लिया है और जहारा पर पैसा नहीं पहुंचा। अरशद को क्या बताती है जहारा? अरशद को जहारा कहती है कि ये मेरा ड्राइवर है, लेकिन जब इनसे पैसे लिए जाते थे तब जहारा टोटल काम उन्हीं के हाथ में देती थी, पैसे भी मंगवाती थी और बैनामा भी उन्हीं के कहने से अरशद के कहने से करती थी। अच्छा, कोई FIR भी कराई है जहारा ने अरशद के खिलाफ? हुआ ये, इसमें हकीकत बात यह है कि हाजी जफरुल्लाह के पैसे मारने के लिए एक षड्यंत्र है और इसमें पुलिस भी शामिल है इस षड्यंत्र में, क्योंकि पुलिस के सामने मैं भी कई बार गया हूँ, ASP CO साहब के यहाँ लांगे साहब से उन्हें भी बताया, दीपक भूकर साहब को भी ये बात बताई कि साहब ये आपस का इनका षड्यंत्र है और इनके पैसे मारने के लिए, जफरुल्लाह आदि के पैसे मारने के लिए इन दोनों पति पत्नियों का आपस में षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र ये करना चाहते हैं कि उसके खिलाफ FIR लिख दी अरशद के ये पैसे लेकर के भाग गया। किसने कराई FIR? जहांआरा ने, और अच्छा। उनमें इनका भी नाम लिया था, जो नाम बाद में विवेचना में गलत पाए जाने पे वो हट भी गया बाद में, जफरुल्लाह आदि का। हकीकत ये है कि इसमें कोई बड़े नेता का हाथ है, उन्होंने मुआहदे पे अब करवा लिया है, रितेश अमित गुप्ता नाम के कोई हैं अच्छे। गुप्ता कौन है? अमित गुप्ता ये बताया जाता है कि रितेश गुप्ता जी जो हमारे विधायक हैं शहर के, उनके भाई हैं, उन्होंने आधी शेष जमीन का मुआहदा में अपने नाम करा लिया है, पुलिस प्रशासन उनके दबाव में है। मैं पुलिस प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ, नंबर दो की रकम अपनी हर कोई पहले लेता है, 90 लाख की रकम ले लेती है जहांआरा, और उसके संबंध में एक 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख कर दे देती है कि मैंने 90 लाख की रकम ले ली है, इनके आधे जमीन का मैंने बेनामा कर दिया है, बाकी आधी जमीन का जो पैसा बचा 44,90,000 वो मैंने अकाउंट में ले लिया है, अब परमिशन लेकर मैं बेनामा करवा दूंगी। हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स है पुलिस के सामने पेश करा कि इसकी आप जांच करें। एक बात बताइए कि आदमी बेनामा करने के बाद नंबर एक की रकम कैसे ले लेगा अपने अकाउंट में, अगर आगे का बेनामा उसे नहीं कराना है तो आधी रकम जो बाद में नंबर एक में गई वो किस हिसाब से ली गई, पुलिस इसकी जांच नहीं करती। तो वकील साहब सीधी सीधी बात करता हूँ मैं, तो जहांआरा ने ये खेल खेला है, अपने पति को ड्राइवर बता के मुकदमा लिखवाया। जी 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 बिल्कुल, जहांआरा पुलिस की कार्रवाई ना करने की वजह है कि विधायक के भाई ने मुआवजा करा। जी बिल्कुल, हकीकत बात यह है कि पुलिस दबाव में है, हमारी जायज बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। हम SSP महोदय से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जब 100 रुपए का स्टाम्प जहांआरा ने ये लिख के दे दिया कि मैंने 90 लाख की रकम प्राप्त कर ली, आधा तुम्हारा बैनामा लिखवा दिया है, आधे की परमिशन आने के बाद मैं बैनामा लिखा दूंगी, मेरी रकम दे दो, वो 44,90,000 भी नंबर एक में आ जाते, तो SSP साहब ये नहीं पूछते कि ये नंबर एक में रकम क्यों ले ली आपने, ये बात सवाल पूछना चाहिए, इस बात को बिल्कुल सुनने के लिए तैयार।